Sí. बयान सर किस सिलसिले में? अरे बड़ी जल्दी ये भूल गए कि किस सिलसिले में? मासूमा कत्ल केस अभी पुराना नहीं हुआ? मासूमा केस तो बंद हो चुका है ना सर, एफआईआर कैंसिल हो गई। हो गई थी मगर अब एफआईआर नए सिरे से काटी गई है। सिरे से आई एम रियली सॉरी सर, मैं समझ नहीं पा रहा। आंटी तो एफआईआर अजरा साहिबा की तरफ से नहीं बल्कि उनकी बेटी मोमने की तरफ से काटी गई है। उन्होंने ये एफआईआर आपके वालिद के नाम दर्ज करवाई और उनके मुताबिक हमीद आरून के इतराफ से जुर्म की गवाह आपकी वालदा है, इसलिए इनका बयान लेना है। मैं कुछ नहीं जानती। इनको बताओ ना, हमें कुछ नहीं पता। सर वो लड़की झूठ बोल रही है, वो एक नंबर के झूठे लोग हैं। आप क्यों उनकी बातों पे बेलावजह यकीन करें? मेरे वालिद को कुछ पता नहीं, आप क्यों मेरी वालिदा को इन्वॉल्व? आप खामोश रहिए, आप हमें हमारा काम करने दीजिए। सर आप मेरी वालदा को यहाँ बुलाकर अपने इख्तियारात का नाजायज फायदा उठा रहे हैं और कुछ भी। देखिए हमें अपने इख्तियारात के हुदूद का बखूबी अंदाजा है कि कहाँ तक हमारे इख्तियारात हैं और आप हमारे काम में दखल अंदाजी ना करें तो बेहतर है। आप क्या बात कर रहे हैं सर, ये मेरी वालदा है, कोई गैर नहीं है, मेरी माँ है। हमारी नजर में सब माँ और बहनों की यकसा इज्जत है। मासूमा भी तो किसी की बहन और बेटी थी ना। आप ठीक ठीक तफसील से बताइए इस रात क्या बात हुई थी। मेरी बात सुनो, एक दफा गौर से सुन लो मेरी बात। तुम्हें जान से मार दूंगा। मुझसे गलती हुई है, मैं जान से मार रहा था। तुम सोचो ना, क्या लगेगा मुझे मेरे बारे में, क्या सोचोगा वो मेरे बारे में जो कर रही। इससे पहले क्या रोज अपना शुरू हो गया। देखिए बीबी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि उस रात आपकी क्या बात हुई थी। कुछ नहीं, मुझे नहीं कुछ पता क्या ये क्या हुआ था क्या नहीं। आप अगर कुछ नहीं जानती तो आपकी बहू ने आपका नाम कैसे लिया? तो सर इस सवाल का जवाब जाकर आप उस लड़की से पूछें ना, आप हमें क्यों तंग कर रहे हैं। मैं आपको बता चुका हूँ इसमें मेरे वालिद वालदा कोई भी इन्वॉल्व। आप खामोश रहिए, आप मुझे मेरा काम करने दीजिए प्लीज। जी आप बताइए कि उस रात आपसे क्या बात हुई थी और उस बच्ची को कैसे कत्ल किया? मुझे नहीं पता, मैंने आपसे कहा है ना मुझे कुछ नहीं पता। मान मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे घर जाना है। सर आप क्या कर रहे हैं, आपने सुना नहीं को कह रही है कि उन्हें कुछ नहीं पता, वो झूठ बोल रही है, आप क्यों यकीन कर रहे हैं आप? मैंने सब कुछ ठीक सुना है लेकिन मुझे ये लगता है कि आपने सब कुछ ठीक ठीक सुना नहीं। इन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि आपकी बीवी झूठ बोल रही है। मैं जब कह रही हूं कि मुझे कुछ नहीं पता तो उसका यही मतलब है कि वो झूठ बोल रही है। ठीक है आप लोग जाइए, जरूरत पड़ी तो आप लोगों को दोबारा बुलाया जाए।